नहीं है, ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है, एक स्टेट का आंदोलन नहीं है। इस बात को हम बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, लेकिन कुछ शरारती लोग कुछ शरारती लोग अरे जयचंद तो हमारे देश में पहले भी हुए, हमारे अपने बीच में गद्दार तो पहले भी हुए, अब भी है, आगे भी रहेंगे। आज इन गद्दारों की वजह से हम आज हमारा आंदोलन बदनामी झेल रहा है। इसके बीच में एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत सारा कुछ हुआ है। हम उन लोगों की बात भी पे भी जाएं जो लोगों को उधर मोड़ के ले गए, लेकिन इस बात के पीछे यह भी सच है कि शायद जनता हमारे फैसले से राजी नहीं थी, ये भी सच है। उनमें गुणवत्ता नहीं थी, उन लोगों में गुणवत्ता नहीं थी जो लोगों को मोड़ के ले गए, कहीं ना कहीं हमारे फैसले में भी कमी थी, लेकिन जनता ये नहीं जानती वो कमी क्यों थी, इस बात में कोई जाना नहीं चाहेगा। जो घटनाक्रम हुआ इसके पीछे दिल्ली का प्रशासन भी है क्या? दिल्ली का प्रशासन हमें 7 किलोमीटर रिंग रोड नहीं दे सकता था? हमने बताया था उनको, मीटिंग के बीच में बताया था उनको कि दंगा आप लोग कराओगे, हमने उनको मीटिंग के बीच में बताया था, दिल्ली प्रशासन को, उनके चोटी के पुलिस अधिकारी बीच में बैठे थे, हमने उनको कहा था कि दंगा आप लोग कराओगे, क्यों? लोग हमारे से भी बागी होंगे और लोग तुम्हारे से भी बागी होंगे, हमें रूट दे दीजिए, 7 किलोमीटर में दिल्ली बर्बाद नहीं होगी, हम 7 किलोमीटर रिंग रोड से घूम के वापिस आ जाएंगे, दिल्ली बर्बाद नहीं होगी। 10 बार कहने के बावजूद भी नहीं मानने थे, अगले दिन फिर कहा जाके नहीं मानने थे, और आज उसका रिजल्ट भुगत रहा है, आज उसका रिजल्ट वो अफसर भी भुगत रहे हैं। अरे 7 किलोमीटर दिल्ली पर रिंग रोड मार रहे हैं, मांग रहे हैं हम केवल घूमने के लिए, क्या मांग लिया था हमने इससे ज्यादा? अगर वो दे देते शायद ये सारा चीज कंट्रोल हो जाती। अरे हमारे बीच में तो सारी तरह के लोग हैं, बगावत खड़ी कर दी रिंग रोड पे, रिंग रोड पे, रिंग रोड पे, सर स्वर्ग मिलेगा रिंग रोड पे, घूम भी आओगे तो क्या हो जाएगा रिंग रोड पे? और किसी के लाल किले का तो किसी ने कहा ही नहीं था, किसी ने कहा था लाल किले का, लाल किले पे जाना है? 100 बार वीडियो पर आगे हमने बोला, 100 बार खबरों में हमने बोला कि लाल किले का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, लाल किले में किसी ने नहीं जाना है, उपद्रव किसी ने नहीं करना है, लेकिन फिर भी हुआ। हम तिरंगे को अपनी शान समझते हैं, देश की शान है तिरंगा, हम देश के तिरंगे को शान समझते हैं, सिर देने के लिए भी तैयार है तिरंगे के लिए, तिरंगे से आप एक बार हाथ खड़े करके उठाओ, तिरंगे को कितने लोग अपनी शान समझते हैं देख लीजिए, मीडिया फोटो उतारे, तिरंगा हमारी शान है, हम सारे तिरंगे को अपनी शान समझते हैं, लेकिन कुछ लोग मौके का फायदा उठा के हमें बदनाम कर रहे हैं, मौके का फायदा उठा के बदनाम कर रहे हैं, और खासतौर पर हरियाणा सरकार, जो हरियाणा सरकार ने चालने शुरू कर दी है, अपने लोगों को सड़कों पर निकाल दिया है, जियातियां करवानी शुरू कर दी है, ये सरकारों के काम नहीं होते हमारे, ये सरकार गद्दारी है सरकार की एक तरह से, ये का सरकार, ये काम सरकारों के नहीं होते। एक आदमी की गलती, कुछ व्यक्तियों की गलती, उसको पूरी किसान कौम पे कैसे थोप देंगे? हरियाणा सरकार बाज आ जाए,
बात को बढ़ाने की बजाय उसको कंट्रोल करे। हम देश के वफादार हैं, देश के लिए सेना, देश के लिए सिपाही, किसान वर्ग ने, मजदूर वर्ग ने दिए हैं, देश के लिए अन्न किसान वर्ग ने, मजदूर वर्ग ने दिया है। हम देश के वफादार लोग हैं। मैं ज्यादा कुछ ना बोलता हुआ, क्योंकि आगे मीटिंग भी है और बस 5 मिनट के लिए आपके दर्शन करने के लिए आया था। आपने हमारी बात सुनी, आपने टाइम दिया और मैं भारत माता की जय के नारे लगवाऊंगा। आपने जोर शोर से लगाने हैं ताकि एक संदेश जाए देश, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, सभी धर्मों का भाईचारा जिंदाबाद, सभी धर्मों का भाईचारा जिंदाबाद, सभी प्रदेशों का भाईचारा जिंदाबाद, सभी प्रदेशों का भाईचारा जिंदाबाद।